लेट अस लर्न अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हमें समझने के लिए पहले हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझना होगा। नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या कहती है? सपोज हमारे ब्लड जो होता है, ब्लड में पारे आरबीसीज होती हैं, वो आरबीसीज एक टाइम के बाद लाइक 120 डेज होती है उनकी लाइफ, उसके बाद वो टूटती हैं, जिससे क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन निकलता है और हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो सकता है। हीमोलाइटिक मतलब जैसे कि ये ब्लड में ही आरबीसी का डैमेज होना। तो जब हीमोग्लोबिन आती है लीवर के पास, अगर लीवर के फंक्शन नॉर्मल हैं तो हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होती है इनटू बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन कन्वर्ट होता है इनटू अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में। ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है इनसॉल्युबल होता है वाटर में, सो इसलिए इसे कन्वर्ट करा जाता है इनटू द सॉल्युबल फॉर्म कंजुगेटेड बिलीरुबिन में वाया द यूडीपी ग्लूकोरिलेशन ट्रांसफरेज। ये एंजाइम इसे कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है। ये एक येलो कलर की पिगमेंट होती है। देन ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन ये आता है हमारे बाइल डक्ट में, बिलियरी सिस्टम में, एंड वहाँ से ये देखिए वहाँ से हमारे डियोडिनम में ये चला जाता है। डियोडिनम जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं इस कंजुगेटेड बिलीरुबिन को इनटू स्टर्कोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन में। ये स्टर्कोबिलिनोजन जो होता है 90% तो फीसिस में चला जाता है, एंड ये यूरोबिलिनोजन जो होता है ये एंटीरोहिपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू यूरिन से सिक्रीट हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी थी। ठीक है, इसकी वजह से ये बिलीरुबिन था, स्टर्कोबिलिनोजन था, इसकी वजह से जो हमारे स्टूल्स होते हैं उनको येलो कलर मिलता है। ठीक है, एंड यूरोबिलिनोजन की वजह से हमारे यूरिन को थोड़ा पिगमेंटेशन होता है। फिर उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, सपोज करो यहाँ पे कोई स्टोन आ गई, या फिर कोई बिलियरी एट्रेशिया है, मतलब बर्थ बाय बर्थ ये बाइल डक्ट ही नहीं बन पाई है। सो क्या होगा, यहाँ से लीवर का फंक्शन तो नॉर्मल है, लीवर तो अपना कंजुगेटेड बिलीरुबिन बनाएगा, वो कंजुगेटेड बिलीरुबिन जब वहाँ से रिलीज ही नहीं हो पाएगा ये इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसका क्या होगा? पहली बात तो हमारे पास स्टर्कोबिलिनोजन नहीं होगी, यूरोबिलिनोजन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों नहीं होंगे, यानी कि यूरिन में यूरोबिलिनोजन एब्सेंट होगा, फीसेज में स्टर्कोबिलिनोजन एब्सेंट होगा, लेकिन हमारे ब्लड में ये वापस जाएगा और ब्लड में हमारे पास कंजुगेटेड बिलीरुबिन बहुत इंक्रीज हो जाएगा। और ये कहाँ से आएगा? यूरिन से। तो अब हमारे पास यूरिन से क्या आएगा? कंजुगेटेड बिलीरुबिन, जिसकी वजह से बहुत डार्कली स्टेन्ड यूरिन हो जाता है और ये अंडरगारमेंट्स को भी येलो कलर्ड स्टेन कर देता है। ठीक है, ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन हमारी बॉडी में स्किन पे जाता है, वहाँ पे स्किन को येलो कर देता है और प्रूराइटिस भी करवाता है। ठीक है, तो इधर देखेंगे हम स्टूल्स, जो हमारे स्टूल्स होते हैं वहाँ पे ना तो यूरोबिलिनोजन बचा, ना बिलीरुबिन आया, ना स्टर्कोबिलिनोजन आया, इसकी वजह से क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? क्ले कलर्ड के हमारे फीसेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं यूरिन पे। यूरिन जो होता है उसमें क्या देखने के लिए मिलता है? इंक्रीज्ड कंजुगेटेड बिलीरुबिन। ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है डार्कली येलो कलर का पिगमेंटेशन देता है, जिसकी वजह से जो ये अंडरगारमेंट्स हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेन हो जाते हैं। दिस इंक्रीज्ड बिलीरुबिन विल गो टू द स्किन एंड स्टेन इट, तो वहाँ पे येलो कलर हो जाता है उनका भी और प्रूराइटिस भी करवाता है। अब हमारा ये ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव होगा, उसका बेस्ट इंडिकेटर क्या है? सो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ रिकवरी फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन इज रीअपेरेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन। अगर हमने ये यहाँ से स्टोन हटा दिया, स्टोन हटेगा तो यूरोबिलिनोजन आ जाएगा वापस, और यूरोबिलिनोजन हमारे यूरिन में दिखने लग जाएगा और बिलीरुबिन वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, अब यूरिन में बिलीरुबिन नहीं आएगा। ठीक है, आई होप ये डिफ़िकल्ट टॉपिक समझ में आया होगा। Thank you so much.